काफी स्मार्ट लग रहा है। अभी पक्मी हो गया। फेक दिखाना चाहती है लोगों को। Hi guys and welcome back to my YouTube channel. In this vlog we will be traveling to Budapest. So मैं आपको एक back story बता देती हूँ. So अभी right now I am in Berlin and यहाँ पे this week जो है अभी जो week चल रहा है वो एक Easter week है जहाँ पे काफी छोटी छोटी छुट्टियाँ होती है and यहाँ पे maximum लोग ना छुट्टी पे घूम रहे होते हैं. मतलब दो तीन महीने पहले ही वो अपने टिकट्स बुक करके रखते क्योंकि यहाँ पे अगर लॉन्ग विकेट आ रहा है वो ऑब्वियसली उसको यूटिलाइज करेगी. हम सोच रहे थे कि क्या करें इस वीक पे, क्या करें, सारे कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ऐसे फोमो हो रहा था कि क्या करें क्या करें. एंड ये छुट्टियाँ शुरू होने के दो दिन पहले हमने बुकिंग करी है फॉर बुदापेस्ट एंड हम रायन एयरवेज से जा रहे हैं. सो बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्लान था एक्चुअली. हमें समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी क्योंकि अभी ये ईस्टर वाला वीक है, सारी चीज़ें इतनी महंगी है यहाँ पे, फ्लाइट टिकट्स एंड एवरीथिंग. सो सारा कुछ बिठा के एवरीथिंग बजट एंड ऑल हमने सोचा कि बुदापेस्ट चलते हैं एंड वी आर गोइंग ओनली फॉर टू डेज एंड टू नाइट्स. सो इट्स गोना बी फन ट्रिप आई वुड से. एंड यहाँ पे मेरा बैग है जो कि पूरा रेडी हो चुका है. सिर्फ मैं यही एक अपना बैग ले रही हूँ साथ में एंड शिवम भी अपना एक छोटा बैग ले रहा है. लेट्स गो एंड नेक्स्ट क्लिप आप एयरपोर्ट की देखोगे. सो या लेट्स गो गाइस. सो वी आर एट द एयरपोर्ट एंड हम अपना घर का बनाया हुआ सैंडविच खा रहे हैं. हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा खा लें, बाहर से खरीदने से अच्छा कि ये खा लें. उसके बाद बाहर से भी खरीद के खाएंगे क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है वो 10 बजे उड़ेगी और वो बुदापेस्ट 11:30 बजे के अराउंड लैंड होगी तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वहाँ पे भूख लगे. बट लेट्स सी हमारे पास और भी है. ये कैसा लग रहा है आप बुदापेस्ट जा रहे हो? मस्त लग रहा है. एक नई कंट्री, एक नई सिटी देखेंगे तो अच्छा लग रहा है. अभी तो काफ़ी भूख लग रही है मेरे को. मुझे हमेशा ही भूख लगती है. खाओ खाओ. सी यू लेटर गाइस. फाइनली इन बुदापेस्ट एंड अभी हमने एज यूजुअल ANU हॉस्टल्स बुक करे हैं, वहाँ पे हम जा रहे हैं एंड कल से हमारा ट्रिप शुरू होगा. दो दिन का ही है. कल हम पूरा बुदा एंड पेस्ट उन्हें घूमेंगे. उसकी मैं आपको अलग से स्टोरी बताऊँगी कि कहाँ हम जा रहे हैं घूमने हैं ऑन एंड ऑन. सो या स्टे ट्यून एंड सी यू टुमारो. गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ द डे टू इन बुदापेस्ट. अभी हम अपने ANU हॉस्टल में एंड हम जा रहे हैं. अभी टाइम हो रहा है वैसे 8:33 AM और हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने. आई थिंक ब्रेकफास्ट वाला जो होता है वो सबका ही फेवरेट होता है कि फटाफट जल्दी से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लो. एंड शिवम का भी वो सबसे मोस्ट फेवरेट पार्ट है एंड ANU हॉस्टल का उसका स्पेशली काफ़ी फेवरेट है. वो सैंडविच बना के एकदम इंजॉय करके खाता है. कुछ कहना चाहोगे अपने सैंडविच के बारे में? मैं ट्रिप्स पे आता है इसलिए ताकि होटल्स के ब्रेकफास्ट खा सकूं. दैट इज माय मोटिवेशन. लेट्स गो. गाइस सो वी आर ऑल रेडी. दिस इज माय OOTD एंड ये है इसका OOTD शिवम अरोरा. काफी स्मार्ट लग रहा है. डेनिम ऑन डेनिम. सो अभी हम जा रहे हैं अपने मिशन पे. मिशन है हमारा आज बुदापेस्ट देखने का. आज हमें कौन सा एरिया देखना है? अभी हम जा रहे हैं पेस्ट वाले साइड पे. आपको ये एक्सप्लेन करना है क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था. आई एम अज्यूमिंग कि मेरे ऑडियंस को भी कुछ ऑडियंस को ना पता हो. सो बुदापेस्ट दो में डिवाइडेड है, बुदा एंड पेस्ट, और वो डिवाइडेड है रिवर से. सो आई एम गोना टेल यू व्हाट दिस इज अबाउट. एक्चुअली शिवम अरोरा आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा पाएगा. सो डू यू वांट टू एक्सप्लेन टू माय ऑडियंस व्हाट दिस इज? वही है कि बेसिकली दो तीन सिटीज़ को मिला के बना था. अब तीसरी सिटी का मेरे को याद नहीं नाम, मगर एक है बुदा और एक है पेस्ट. ये दोनों रिवर से डिवाइड होते हैं. अभी हम पेस्ट साइड पे. पेस्ट थोड़ा मॉडर्नली बिल्ड है, बुदा पुराने टाइम का है. अभी हम जा रहे हैं बुदा कासल. फिर वहाँ से फर्स्ट स्टॉप इज बुदा कासल. सो लेट्स गो. मैं आपको ट्रांसपोर्ट का भी बताऊँगी. हम यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट ही मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली क्या, वही यूज़ करेंगे. उसी से ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे यहाँ पे सब चीज़ें होती है. बट या लेट्स गो. हाय गाइस. सो पकमी हो गया. हमारे सामने से जो हमें बस पकड़ने ने हमारे सामने से निकल के भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाए. हम बस देखते रहे. मतलब
इंडिया में ये तो अच्छा होता है कि देख के रोक देते हैं ऐसे भैया रोकना रोकना कहीं चढ़ा लो आगे छोड़ देना, यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा, मुंह पे देख के वो बंद कर देते हैं सही में। और अगर उनके खिड़की के सामने बोले ना प्लीज खोलो, फिर भी नहीं खोलेंगे। बाय द वे माय न्यू नेल्स बैठा। तो हमारा प्लान है अभी हम पेस्ट में, जैसे कि हमने आपको बोला, और हम बुद्धा जा रहे हैं। और उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टैक्सी ले लो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। टैक्सी हमने कल रात को ली थी तो हमने सोचा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके देखते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप बुदापेस्ट गो के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हो आपके ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से। फिर वहाँ पे कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से डे पास खरीद लेना। सिंगल हो तो 2500 यहाँ की जो भी करेंसी है उसकी है, 6-7 यूरो की है। बट अगर आप 5 जनों तक का ग्रुप हो तो वो ले लेना ग्रुप टिकट, वो ज़्यादा बेटर रहती है। हमने भी अभी ग्रुप टिकट ही लिया, चाहे हम 2 जने हैं बट स्टिल इट इज़ ईजियर कि एक ही बंदे को टैप करना पड़ेगा। बट वो क्या सस्ता है सिंगल टिकट के? सिंगल टिकट लोगे तो 2500 HUF की है, ठीक है। तो अगर हम अभी सिंगल सिंगल लेते तो 5000 HUF पड़ता, 2 टिकट लेनी पड़ती। बट ग्रुप टिकट भी 5000 की थी तो मैंने ग्रुप टिकट ही ले ली। तो ग्रुप टिकट सस्ता है, सस्ता है अगर आप 5 तक का ग्रुप हो ना, इंडिविजुअल नहीं। और अगर 2 का भी हो तो फिर भी आप तो भी ठीक है, मतलब इजी है ना कि ये एक ही बंदे के पास टिकट है। फिर अब हम यहाँ से डायरेक्ट बस है, हम बूढ़ा जाएंगे। लेट मी शो यू आसपास का कि कैसे है बुदापेस्ट। जस्ट रीच्ड बुद्धा साई, काफ़ी क्विक जर्नी थी। आई थिंक 10 मिनट में हम बस से यहाँ पे पहुँच गए फ्रॉम पेस्ट टू बुद्धा। एंड अब यहाँ के अब कासल्स एक्सप्लोर करने वाले, सो लेट्स गो। इट्स ये काइंड ऑफ एक ट्रैक होगा हमारे लिए क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ के जाना है वो कासल देखने के लिए, बट उसी में ही मज़ा है। सो देखो अभी यहाँ पे ऐसे सारे लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे सीढ़ी और चढ़ के, एंड या लेट्स गो। पूरा ट्रैक करके आया जो मैंने सीढ़ियाँ दिखाई थी। एंड यहाँ का बुदापेस्ट का पार्लियामेंट काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हो थोड़ी सी झलक दिख रही है, बट ये हम रात में हमने सुना है और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। एंड अभी हम ऊपर जा रहे हैं कासल की तरफ। एनीवेज चल रहे हैं, ये सोच के कि खाना जो खाया है वो पच जाएगा। सो या अपनी जैकेट उतार दी क्योंकि काफ़ी गर्मी है, बट अभी मैं अपने ड्रेस मोड में आ गई हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा है, गर्मी है तो तू जैकेट उतार दे। नहीं। कि बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग बुडापेस्ट में होती है जो हाँ। हमें दिखाते हैं कि बर्लिन है या फिर फॉर एग्जांपल लंदन है या कुछ है, तो मगर वो बुडापेस्ट होता है ठीक हाँ। है। ये मूवी शूटिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे वो सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति सैनन वाली मूवी की भी शूटिंग, क्या नाम है उस मूवी का, राबता है ना हाँ, उसकी काफ़ी शूटिंग हुई है यहाँ पे। हाँ, उसकी बुडापेस्ट में शूटिंग हुई है। दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द कासल, एंड यहाँ पे एक छोटा सा खाने का भी है, बट एज यूजुअली महंगा होने वाला है तो हम तो अभी एक्सप्लोर करेंगे। एंड या लेट्स गो। हाँ, और जितना अभी हम खा के आए ना ब्रेकफास्ट में, हमें शर्म आनी चाहिए अगर फिर से खा के भूख लगी है। वो तो तुझे आनी चाहिए बट 15 मिनट में बोल रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, कहां जा रहे हो ए लेट्स गो। सो अरोरा, वेयर आर वी गोइंग नाउ? हमने बास्टियन, फिशरमैन बास्टियन, वो क्या है? है कुछ, हाँ है कुछ, बस यही ऑडियंस को बोलना है कुछ कुछ तो है बट है गूगल कर दो। मतलब बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट ही है, वो भी काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। बस कर रहा था थिंग्स टू डू एंड विजिट इन बुडापेस्ट, उसमें था तो मेरे लिए तो एक सफ़ेद रंग का बिल्डिंग सी है जिसके ऊपर से आपको अच्छा व्यू दिख जाए। अच्छा व्यू यहाँ इस कासल से भी है। आई थिंक दिस कासल लोग यहाँ पे सिर्फ ये व्यू को एक्सपीरियंस करने ही आते हैं। अंदर से कासल तो मुश्किल है किसी ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनको मजा आता है देखने में। गैलरी वैलरी बना रखी है अंदर, वो गैलरी हमने ना काफी देख चुके हैं हम जर्मनी में भी, तो वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर मनी। देख लो सारा एक जैसा ही है वैसे। ट्रू, दैट्स 100% ट्रू। बट अभी हम जा रहे हैं जैसे कि इसने बोला समथिंग समथिंग, वहाँ की आपको दिखाएंगे कि कैसा व्यू है वहाँ से। सो या
अभी 12 बज चुके हैं, यहाँ पे घंटी बज रही है। दिस इज द चर्च। इस चर्च का क्या नाम है? दिस इज द मैथ्यूज चर्च। ये भी क्वाइट फेमस है। एंड दिस इज द बास्टियन, फिशरमैन्स बास्टियन। यहाँ पे बोलते हैं कि सनसेट काफी यहाँ से अच्छा दिखता है। एंड ये वाला चर्च फेमस है क्योंकि इसकी छत रंग बिरंगी है, और कुछ नहीं, क्योंकि ये रंग बिरंगा है इसीलिए ये फेमस है। बट अभी चलते हैं। छोटी चीजों में यूरोपियन खुश हो जाते हैं। छत रंग दी वो हो गया कि टूरिस्ट पॉइंट हो गया। घूमना है तो यहाँ पे टिकट आपको लेनी पड़ेगी, बट आप ऐसे भी यहाँ पे रोम अराउंड कर सकते हो। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे आसपास, एंड काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं जहाँ से आप अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हो अपनी। पीछे मेरे कैमरामैन शिवम अरोरा रिपोर्टिंग फ्रॉम बुद्धा। कुछ कहना चाहोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुछ और? तेरे पीछे बड़ा मस्त व्यू दिख रहा है। एक तो जब यूरोप आओ ना, फालतू लोगों से बात करने की कोशिश करो ना ही करो, आधे से ज़्यादा स्कैम वाले होते हैं यहाँ पे लोग, और बच्चे यहाँ के बड़े फैशनेबल हैं। इन बच्चों की उम्र में हमारी नोजी बहरी होती थी, और ये क्रॉप टॉप पहन के बाल सेट, रेबैन के चश्मे, अपना स्टारबक्स के कप से वो पीती थी, पता नहीं कुछ पी कसम से वो 7-8 साल की होगी। यहाँ पे खाने पीने को भी है समथिंग सही है, मैं तो बढ़िया है। हमने फोटो शूट भी कर लिए थोड़े थोड़े। बड़ा मुश्किल है यार फोटोज खींचना भी। नाइस एक्सपीरियंस। एंड हम नीचे आके वापस इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा लोकेशन है फोटोज खिंचाने का एंड एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि ये आप रिवर देख रहे हो, ये रिवर सेपरेट करती है बुद्धा और पेस्ट को। अभी राइट नाउ वी आर इन बुद्धा, एंड ये ब्रिज क्रॉस करके हम जाएंगे पेस्ट की ओर। सो दिस इज़ द रिवर। बाकी मैं आपको क्लिप्स वहाँ ब्रिज के ऊपर दिखाऊंगी। एंड आई थिंक इसी ब्रिज से वो तुमको असल वाला गाना का कुछ शूट हुआ था। हुआ तो होगा ही, मे बी मेन अट्रैक्शन है। सो या लेट्स गो देयर। राइट नाउ वी आर हैविंग डबल चॉकलेट फ्रैपचिनो एंड सम पीना कोलाडा। इस वाले में आया सब आ गए थे ना पहुंचते हुए। नहीं तूने ऑन क्यों बताऊं, नेचुरल फुटेज फेक दिखाना चाहती है लोगों को। ये है पीना कोलाडा, ये है डबल चॉकलेट फ्रैपे। मैंने पीना कोलाडा नहीं कभी खाया है, तो ट्राई करते हैं। इसने कहा था चम्मच भर के खा जा, और वो स्मूदी है पीने के लिए, वो खाने के लिए नहीं है, पीना उसे। पर खा ले तू। पीना कोलाडा एक्चुअली कॉकटेल होती है कोकोनट फ्लेवर की, और बहुत टेस्टी होती है। अब दारू तो मैं छोड़ चुका हूँ, बट ये तो क्रीम है, ये तो कॉफ़ी है, इसको तो पी जा, क्रीम हटा के थोड़ी सी। मैं नाक पे आएगी। हाँ तो आने दे, वही तो बात है। ये अच्छा। उसको पी और क्रीम मत खराब कर उसकी। कुछ नहीं आ रहा मेरे मुंह में, वो सारा इतना थिक है, तू अजीब ही बातें करता है। उसको मिक्स मत कर प्लीज,
टेस्टी है। व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टॉप? जिलाटो रोजा पे आए हैं हम, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम फेमस है। ये रोज के शेप में डिजाइन बना के देता है आइसक्रीम का, एंड यहाँ पे काफी ही लंबी लाइन है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी हमने बहुत कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे गर थोड़ी ठंडी होगी, तो मैं अपना जैकेट वगैरह लाई थी, बट यहाँ पे गर्मी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड यस, अभी हम खाएंगे, फिर हम और घूमेंगे, नेक्स्ट स्टॉप दिखाएंगे कि क्या बुदापेस्ट में आप देख सकते हो। सो या पता कैसी है ये, इज़ इट वर्थ इट? नीचे से चाट ले जल्दी से, वो पिघल रही है। लगभग अच्छी है, लगभग अच्छी है। लाइन कितनी लंबी हो गई है इसके लिए। फ्लेवर्स अगर आपको लग रहा होगा ये वनीला और चॉकलेट है, तो नहीं है, कॉफी एंड चॉकलेट है। मैंने पहली बार व्हाइट कलर की कॉफी फ्लेवर देखा। देख टपक रहे हैं वो, नीचे से चाट ले उसको, मेरे लिए भी बचा। नाउ वी आर एट आवर फोर्थ लोकेशन, है ना? जो ये रिवर है उसका नाम डानूबे है। एंड आप यहाँ पे देखोगे आर्ट वर्क है जहाँ पे मेटालिक शूज है अलग अलग। सो बेसिकली इनका मतलब है कि ये एज अ रिमाइंडर बनाए हुए हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जैसा कि पता है जूस के साथ बहुत गलत हुआ था। एंड ये भी जर्मन ऑक्यूपाइड था एरिया, एंड उनको फोर्स करा जाता था सुसाइड करने के लिए। बट उससे पहले जर्मन सोल्जर्स उन्हें कहते थे शूज़ उतार के कूदो, क्योंकि शूज़ लेदर वगैरह के होते थे एंड उनकी बहुत वैल्यू थी। तो यहाँ पर लाइन से खड़े करके लोगों को फोर्स करते थे, पहले वो शूज़ उतारते थे अपने, फिर वो सुसाइड करते थे। शिट, तो ये दिस इज काइंड ऑफ ए सुसाइड पॉइंट? Not a suicide point. You can't say it is a suicide point. मतलब genocide point. क्योंकि उनके दिल ही नहीं थे ना वो suicide. So update is कि अपने लास्ट क्लिप तो देख ली, जहाँ पे रिवर के पास में जो सब चीज़ें हुई थी वो सब देखा। एंड देन हमने बस ली, बस में चार स्टॉप के बाद हम उतरे और हम 10 मिनट वॉक करते हुए एक खाने की जगह पर जा रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ ए फूड कोर्ट, नॉट अ फूड कोर्ट, बट वहाँ पे स्ट्रीट फूड का, हाँ स्ट्रीट फूड वहाँ पे काफ़ी मिलेगा। तो हंगेरियन खाना हम टेस्ट करेंगे। एंड मैंने शिवम की ग्लासेस हड़प लिए हैं, रेबान के चश्मे, जो कि मुझे लग रहा है मेरे आउटफिट के साथ ज़्यादा सूट कर रहे हैं वो। बट एनीवेज चलते खाते, क्योंकि भूख लग रही है। भूख लगने से ज़्यादा मेरे ना पैर गिव अप कर चुके हैं, मेरे को बहुत ही उंगलियों में दर्द हो रही है। बट कल का दिन में हमें मसाज हमने बुक किया है, वो आपको बाद में पता चलेगा। बट लेट्स गो एंड ईट समथिंग, आई एम हंग्री। लांगोस बर्गर, फ्राइज, कोला एंड बियर। लांगोस बेसिकली पता क्या है? क्या? भटूरा। देखा था वो, हमने सोचा नाइट लाइफ भी उसकी देख लेते हैं। जो ये ब्रिज है इतनी सुंदर लग रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर यहाँ का पार्लियामेंट है। आई डोंट नो कैमरा जो है वो जस्टिस कर पाएगा उसको, बट आई एम गोना शो यू द क्लिप। Next day. Hi guys, today is day 2 and this is my look for day 2.
दिस टॉप एंड नॉर्मल जीन्स. आज का प्लान है कि आज हम थर्मल बाथ लेने वाले हैं इन द फेमस ओपन पूल जो कि बुदापेस्ट आई थिंक फेमस है थर्मल बाथ्स के लिए. तो आज का दिन हमने अपने रिलैक्सेशन के लिए रखा है. वहाँ जाएंगे हम थर्मल बाथ के बाद हमारा स्पा, सॉरी स्पा नहीं, सॉरी मसाज है तो वो करेंगे. सो दैट इज़ द प्लान. फिर वो जब जैसी हो जाएगा उसके बाद हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और अपनी फ्लाइट कैच करेंगे क्योंकि आज ही हम वापस जा रहे हैं. नेक्स्ट क्लिप यू विल सी थर्मल बाथ का. सो वी आर ऑल रेडी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में एंड आई विल शो यू आउटसाइड कि क्या सीन है. बहुत ही मस्त. इट्स ऑल थर्मल बाथ. ही गर्म पानी है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. कम अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें से ऐसे धुआं उड़ रहा है ना. भी है कल इतनी गर्मी थी यहाँ पे, आज देखो ठंड है. अच्छी बात है ना, ठंडा है. Few moments later. Hi guys, so next update, हमने अपना थर्मल बाथ, सोना, स्पा, मसाज सब करा लिया. अब हम हैं जा रहे हैं एयरपोर्ट अपने इस एयरपोर्ट बस शटल में और अभी हम बर्गर किंग खा रहे हैं. एंड लाइक ही वाज सेइंग समथिंग कि कुछ टेक अवेज जो हमें बुदापेस्ट की दो दिन की ट्रिप से मिले, सो आप शेयर करना चाहोगे? उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है और काफ़ी सिक्योरिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में. कि मतलब जैसे होता है जैसे बर्जन और इन सब में ज़्यादातर ऑनर सिस्टम करता है कि आप कभी भी रैंडम चेकिंग हो जाती है. ऐसा नहीं दिल्ली मेट्रो की तरह कि आपने टोकन खरीदा है फिर टोकन लगाओगे तभी आप अंदर घुस सकते हो. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑनर सिस्टम होता है कि रैंडम चेकिंग होगी उसमें आप पकड़े गए तो पकड़े गए, जैसे मुंबई लोकल में होता है. बट यहाँ पे वैसा ही है मगर चेकिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है. तो हमेशा टिकट लेके ट्रैवल करना अंग्री में घूम रहे हो तो मतलब हमारी तो रोज़ हो गया एक तरीके से. ऐसा नहीं हमारी शक्ल पे लिखा है, एक ही जगह में दो दो बार ही ऐसा हो गया, हो रही है. बाकी थर्मल बाथ का एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. हमने मसाज भी बुक कराई थी, वो एडिशनल होता है, वो भी अच्छा था. मैं तो सजेस्ट करूँगी कि दोनों बुक करो. थर्मल बाथ में पाँच घंटे एटलीस्ट तो बिताओ क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल स्विमिंग पूल्स हैं, ऐसे एरियाज हैं. अंदर जाके भी इंडोर में थर्मल स्पास है, बाहर तो है ही. और ये एक जगह है ऐसी बुदापेस्ट में, और भी ऐसे बड़े बड़े जगह है थर्मल बाथ्स के. हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर दूँगी, बट ये तो मस्ट है. थर्मल तो बुदापेस्ट तो फेमस ही है अपने थर्मल स्पास के लिए, तो ये तो करना ही चाहिए हमें. और मेरे को ऐसा लगता है कि दो दिन भी इनफ है बुदापेस्ट को घूमने के लिए. तो दैट वॉज माई फ्यू साइट्स. सी यू लेटर. Three hours later. Guys, so we just landed in Berlin. हमारा ये ट्रिप समाप्त होता है. I hope you guys loved this video. Love दिखाओ, love. कुछ बोलना चाहोगे? Like, share, subscribe. To my channel, please. It will mean a lot to us. And कुछ ही सब्सक्राइबर दूर है हम, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. So yeah. See you in my next video. Hopefully in my next video kuch mini vlogs apne a weekend my life aise lana chahungi. So see you in my next video. Till then, bye.